Hello everyone, this is Muskan. Welcome to my channel. Today I am going to explain the remaining part from the topic theory of demand of the subject economics. So let's start. Aaj hum karenge factors or the determinants jo affect karte hain demand ko. First of all to hai factors mein on price of the commodity. Theek hai, on price of the commodity mein kya hota hai, jo khud ka price hota hai commodity ka. जो ऑन प्राइस होता है कम्युनिटी का और जो डिमांड होती है उन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, मींस वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है. अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी और अगर प्राइस कम होंगे तो प्राइस डिमांड जो है वो बढ़ेगी. मतलब अपोजिट रिलेशनशिप हो गया ना. अगर प्राइसेस किसी भी प्रोडक्ट के हमें कम मिलते हैं तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर जो डिमांड है वो ज़्यादा करते हैं. सेकेंड वन आता है इसमें प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स में दो टाइप के गुड्स आते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका मीनिंग मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था. इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो रिलेट करते हैं, इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है वो डिमांड, वो कैसे डिमांड से रिलेट करते हैं, नेगेटिवली रिलेट करते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसे टी एंड कॉफ़ी, अगर टी की प्राइसेस बढ़ेंगे तो उधर डिमांड जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स की यानी कि कॉफ़ी की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, बिकॉज जो टी के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो टी के यूजर्स हैं वो शिफ्ट कर जाएंगे डिमांड की तरफ. एंड इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड पेट्रोल कार हो गई. सो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग जो डिमांड है वो कम कर देंगे पेट्रोल कार की. दैट मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया. सो ये डिमांड को अफेक्ट करती है. थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास इनकम. इनकम में क्या होता है, इनकम में हमारे पास दो टाइप के गुड्स होते हैं. नॉर्मल हमारे गुड्स होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं. नॉर्मल गुड्स तो वो गुड्स होते हैं जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं, जो थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते हैं. नॉर्मल गुड्स में हम थोड़े सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स आ जाते हैं और इन्फीरियर जो गुड्स होते हैं उनमें थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होती है. तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, तो वो नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड भी इंक्रीज करेगा, बिकॉज उसके पास अब मनी ज़्यादा है. ओके, दैट मीन्स पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया. बट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो जो कंज्यूमर इन्फीरियर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो शिफ्ट कर जाएगा नॉर्मल गुड्स की तरफ. दैट मीन्स इन्फीरियर गुड्स के लिए वो डिमांड कम कर देगा. अगर इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स के लिए जो डिमांड है वो कम हो जाएगी. दैट मीन्स इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होगा. नेक्स्ट वन आता है हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है, जो हमारा ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो फैशन है, जो कंज्यूमर प्रेफर करता है, क्या वो लाइक करता है, क्या वो डिसलाइक करता है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अगर तो कंज्यूमर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस को डेवलप करता है, अगर उसका फेवरेबल एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है गुड्स की तरफ, दैट देन जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी. बट अगर अनफेवरेबल एटीट्यूड है, या वो लाइक नहीं कर रहा है प्रोडक्ट को, या वो नहीं प्रेफर कर रहा है प्रोडक्ट को हमारे, देन डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. देन आता है इसमें एक्सपेक्टेशंस. एक्सपेक्टेशंस में हमारे पास दो टाइप की आ जाती है. एक तो फ्यूचर में प्राइसेस को लेके एक्सपेक्टेशन, एक फ्यूचर में इनकम को लेके एक्सपेक्टेशंस. अगर फ्यूचर में कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उस जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के वो इंक्रीज होने वाले हैं, अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, देन वो प्रेजेंट में डिमांड भी इंक्रीज कर देगा, बिकॉज उसे पता है कि फ्यूचर में तो और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो इट्स बेटर कि मैं अभी खरीद लूँ. ठीक है ना. और अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो लो होने वाले हैं, वो कम होने वाले हैं, देन वो अपनी डिमांड क्या है, पोस्टपोन कर देगा, या फिर वो अभी जो प्रेजेंट डिमांड है वो कम कर देगा. एंड वैसे ही जो इनकम आता है, अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी इनकम बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, दैट मीन्स उसके पास पैसा इनफ होगा ना, उसके पास मनी इनफ होगी इन फ्यूचर, तो वो डिमांड अच्छी कर देगा, डिमांड अपनी इंक्रीज कर देगा. बट अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसकी जो इनकम है वो कम होने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है ना, कम होने वाली है, तो इस डर से कि उसकी इनकम कम होने वाली है, तो वो प्रेजेंट की भी जो डिमांड है वो कम कर देगा, अपनी कंजप्शन को कम कर देगा. नेक्स्ट वन आता है हमारे पास साइज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, सॉरी कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन. जितना बड़ा साइज, मतलब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे पास होंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास हमारी प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड होगी. ओके ना, सिंपल है. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उतने ज़्यादा डिमांड. सो जितना ज़्यादा साइज होगा पॉपुलेशन का, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन कंज्यूमर्स होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड होगी. अगर हमारे पास जो हम उस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जिस मार्केट में हमारे कंज्यूमर्स ही कम है या पॉपुलेशन ही कम है,
तो उधर डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी। एंड कॉम्पोजिशन में क्या आता है कि पूरी पूरी पॉपुलेशन में कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने एडल्ट्स हैं, कितने बच्चे हैं, ये आ जाता है कॉम्पोजिशन में। अगर अगर हमारा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वुमेन्स का है, वुमेन्स कॉस्मेटिक्स का है या वुमेन क्लोथ्स का है, एंड पॉपुलेशन में वुमेन्स की जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, जस्ट बिकॉज हमारा प्रोडक्ट भी वुमेन का है एंड जो कंपोजिशन है, जो पॉपुलेशन है उसमें कंपोजिशन भी वुमेन का अच्छा है, तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी एंड इट्स वाइस वर्सा। सेवन्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या होता है, इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इन द इकोनॉमी, इन द मार्केट। अगर तो इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा इनकम है, कोई बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ठीक है ना। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा इनकम है देन जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनके लिए डिमांड अच्छी होगी, उनके लिए डिमांड ज़्यादा होगी अगर इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का वो इक्वल है, मतलब सबके पास ऑलमोस्ट इक्वल इनकम है, देन जो रूटीन के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लाइक नेसेसिटीज प्रोडक्ट्स होते हैं, कंफर्ट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी डिमांड जो है ज़्यादा होगी और लग्जरी गुड्स की डिमांड कम होगी, ठीक। ओके, ये हैं सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देन हमारे पास एक टॉपिक आता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एंड देन हमारे पास आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये दोनों एक दोनों ही टॉपिक्स जो हैं इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, दोनों में ही हम डिमांड को चेंज करते हैं, ठीक है, बस फैक्टर का फर्क हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्टडी करेंगे चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें चेंज क्यों होता है डिमांड में, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन प्राइस में चेंज होता है। जो कमोडिटी होती है, कमोडिटी के खुद का प्राइस होता है, जो ऑन प्राइस होता है कमोडिटी का, अगर उसमें चेंज आता है तो उसकी वजह से जो डिमांड में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर इसमें मूवमेंट होती है अलोंग डिमांड कर्व। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिखा रखा है, सबसे पहले तो एक्सटेंशन का दिखा रखा है। एक्सटेंशन में क्या है, हमारे पास प्राइसेस कितने थे, इस पॉइंट पे थे हमारे पास प्राइसेस एंड उस टाइम हमारी डिमांड थी इतनी, ओके, एंड प्राइसेस हमारे पास जब इतने हुए तब हमारी डिमांड थी इतनी, फाइन। जब हमारे पास प्राइसेस ज़्यादा थे हमारे पास प्राइसेस, तो डिमांड जो थी कम इतनी थी, और जब हमारे पास प्राइसेस कम हो गए तो डिमांड जो है हमारे पास इतनी होगी। मतलब ये लेफ्ट टू राइट जो है मूवमेंट होगी डिमांड कर्व की। पहले हमारी डिमांड थी इस पॉइंट पे, हमारा डिमांड कर्व बन रहा था, अब हमारा डिमांड कर्व आ गया इस पॉइंट पे। दैट मीन्स ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप बन गया, किसका, एक्सटेंशन का। मतलब ये इसमें क्या होता है, एक्सटेंड होगी डिमांड, डिमांड इंक्रीज होगी। इसमें जब डिमांड बढ़ती है तो हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, नॉट इंक्रीज, हम उसको एक्सटेंशन बोलते हैं जब ड्यू टू ऑन प्राइस होती है। वैसे ही सेम कॉन्ट्रेक्शन का है, कॉन्ट्रेक्शन में पहले हमारे पास प्राइसेस थे इतने और डिमांड थी हमारे पास इतने, ठीक है। दैट मीन्स हमारा डिमांड कर्व यहाँ बन रहा था, अब प्राइसेस क्या हो गए, राइज हो गए। प्राइसेस जब राइज होंगे तो वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स डिमांड हमारी क्या है, अब कम होगी। डिमांड हमारे पास इतनी आ गई और डिमांड कर्व हमारा यहाँ चला गया, तो ये डिमांड कर्व यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा। पहले हमारा एक्सटेंशन में लेफ्ट टू राइट जाता है और इन कॉन्ट्रेक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट जाता है डिमांड कर्व। इसमें हम अगर डिमांड कम होती है तो इसको हम कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड कर्व, यानी कि चेंज इन द डिमांड। जब चेंज, पहले हमने स्टडी किया था चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, अब हम स्टडी करेंगे चेंज इन द डिमांड। उसको हम बोलते थे मूवमेंट होती थी अलोंग द डिमांड कर्व। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें पहले हमारा डिमांड, इन डिमांड कर्व में मूवमेंट होगी, दैट इज यहाँ पे आ गया। अब इन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स होता है। इन मूवमेंट क्या था, अगर प्राइसेस चेंज होंगे खुद के प्रोडक्ट के, कमोडिटी के, देन जो है चेंज आएगा डिमांड में, उसे तो हम बोलते हैं चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। बट चेंज इन द डिमांड में क्या होता है, अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स लाइक रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस हो गए, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगी, इनकम हो गया या एक्सपेक्टेशंस होगी, एट्सेट्रा, ये सब इसमें आ जाएगा। जब इन फैक्टर्स की वजह से जो है चेंज आता है डिमांड में, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड। इसमें हम प्राइसेस को कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है।
इसमें एक्सटेंशन, इसमें सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज का दिखाया है। इसमें देखिए प्राइसेस जो है हमारे इतने हैं, प्राइसेस हमारे कांस्टेंट हैं। एक है प्राइसेस हमारे कांस्टेंट है, पहले हमारी डिमांड थी दिस वन, ठीक है, पहले हमारी डिमांड थी दिस वन, अब इंक्रीज होकर डिमांड होगी इतनी। पहले हमारा डिमांड कर्व बन रहा था ये, इसमें क्या है डिमांड कर्व में ही शिफ्ट आ गया, इसमें क्या है डिमांड कर्व में शिफ्ट आ गया। पहले हमारा डिमांड कर्व यहाँ था, अब हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स इसमें हमारा इंक्रीज आ गया डिमांड कर्व में। ड्यू टू अदर फैक्टर्स लाइक इनकम कंज्यूमर की फॉर एग्जांपल चेंज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो हमारा डिमांड कर्व क्या है हमारा शिफ्ट कर गया टू द राइट वर्ड, शिफ्ट कर गया, पूरा पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट कर गया, दैट इज इंक्रीज हो गया डिमांड कर्व में। और डिक्रीज में भी सेम केसेस है, प्राइसेस हमारे उतने के उतने ही हैं, कांस्टेंट हैं। पहले हमारी डिमांड थी इतनी दिस वन थी, और अब हमारी डिमांड है दिस वन। इसमें क्या है लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा इन द डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया है। पहले हमारा डिमांड कर्व ये बन रहा था, अब हमारा डिमांड कर्व ये बन रहा है, ओके इसमें हमारा डिक्रीज आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का है, एंड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का ये पॉइंट है, एंड हमने आज फैक्टर स्टडी किए हैं। और थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।